यूपीपीसीएस 2020 की परीक्षा के लिए हमारा संस्थान एक ऑनलाइन बैच आज से स्टार्ट कर रहा है। बैच कब से प्रारंभ होगा, बैच की प्रकृति क्या होगी, थोड़ी सी जानकारियां मैं आपके साथ साझा कर दूं, फिर इसमें एडमिशन का तरीका आपको बताऊंगा और फैकल्टी से भी परिचय कराऊंगा। तो ये बैच प्री कम मेंस एग्जाम के लिए है, प्री एंड मेंस साथ तैयारी की जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि मैंने हमेशा से महसूस किया है कि प्रीलिम की फैकल्टी अलग होती है, मुख्य परीक्षा की फैकल्टी अलग होती है। जरूरी नहीं है कि कोई टीचर, अगर इतिहास का कोई अध्यापक अगर प्रीलिम अच्छा पढ़ा रहा है तो आपको मुख्य परीक्षा भी अच्छा पढ़ा पाएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है और ज्यादातर मामलों में ये संभव भी नहीं होता है। इसी तरह से अगर कोई अध्यापक जनरल साइंस अच्छा पढ़ा रहा है तो आपको साइंस ठीक पढ़ा लेगा, ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि जनरल साइंस के टीचर अलग होते हैं एंड साइंस टेक के अध्यापक अलग होते हैं। इसी तरह से मुख्य परीक्षा में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो प्रीलिम में नहीं है, जैसे आपदा प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, एथिक्स, तो उनके लिए अलग फैकल्टी की जरूरत होती है। केवल जनरल साइंस, इतिहास या भूगोल पढ़ाने वाला प्री कम मेंस बैच समाप्त कर देगा, इसमें संदेह है। हर विषय की फैकल्टी अलग होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर मैंने इस बार डिसाइड किया कि प्रारंभिक परीक्षा की फैकल्टी आपके लिए पूरी तरह से अलग होगी, जो केवल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कराएगी, और मुख्य परीक्षा की फैकल्टी सर्वथा अलग होगी। वो अलग अध्यापक होंगे जिनका पकड़ केवल मुख्य परीक्षा पर होता है। आप भी इस बात को कहीं ना कहीं महसूस करते होंगे कि प्रीलिम पढ़ाने वाला टीचर ही अगर मेंस एग्जाम पढ़ाने लगे तो निश्चित रूप से आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, होना भी नहीं चाहिए। प्रीलिम, हम फिर से बता दें, ये ऑनलाइन बैच है, प्री कम मेंस का ऑनलाइन बैच है। प्रीलिम का एग्जाम डेट आयोग द्वारा घोषित हो चुका है, जो कि 21 जून है। इसका मतलब है कि प्रीलिम एग्जाम में कितने समय बाकी है, प्रीलिम एग्जाम में आपके लिए 5 महीना बाकी है। मेंस एग्जाम 15 अक्टूबर को होना है, इस तरह से मेंस एग्जाम में 9 महीने का समय है। इसका मतलब कि ये बिल्कुल उपयुक्त समय है कि जनवरी मिड से आप प्री कम मेंस की तैयारी एक साथ शुरू कर दीजिए। 5 महीने बाद प्रीलिम है, 9 महीने बाद मेंस है। मान लेते हैं कि आप अभी से लेकर अगले 5 महीने केवल प्रीलिम की तैयारी करते हैं और आपको लगता है कि प्रीलिम अच्छा निकल गया है, प्रीलिम एग्जाम अच्छा हो गया, तो प्रीलिम के तुरंत बाद आप पढ़ाई नहीं शुरू कर पाते हो। 10-12 दिन घूमने घामने, रेस्ट लेने में लग जाता है। इस तरह से आपके पास 3.5 महीना ही बचेंगे मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप सच में यूपीपीसीएस एग्जाम देना चाहते हो तो आप रिस्क नहीं ले सकते हो कि नहीं, मुझे तो अभी प्रीलिम की तैयारी करनी है। अगर इस सोच से आप प्रीलिम एग्जाम में बैठोगे तो इसका मतलब है कि आप पहले ही रेस से बाहर होना चाहते हैं। आपके लिए रेस में दौड़ने का मतलब है अंत तक अगर जाना चाहते हैं तो आपको इन दोनों की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। चूंकि प्रीलिम एग्जाम में 5 मंथ है, इसलिए अभी शुरुआती 3 मंथ आपको अच्छे से मुख्य परीक्षा के लिए कवर करना चाहिए। तो यहां पर प्री एंड मेंस की तैयारी एक साथ कराई जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर इतिहास के अध्यापक प्रीलिम पढ़ाएंगे तो इतिहास के अध्यापक मेंस भी पढ़ाएंगे, दोनों फैकल्टी अलग होगी। बैच हमारा 20 तारीख से शुरू हो रहा है, 20 जनवरी से बैच प्रारंभ हो जाएगा। आज तारीख है 13 जनवरी, आप वीडियो हो सकता है 14 या 15 जनवरी को देख रहे हो। इस तरह से अगले 6 से 7 दिनों में हमारा बैच वेबसाइट पर प्रारंभ हो जाएगा। हमारी फैकल्टी आज से ही शाम से एक एक करके आपके सामने रूबरू होगी, चाहे प्रीलिम की फैकल्टी हो या फिर मेंस की। फैकल्टी के नाम लेने से बेहतर है कि आप स्वयं उनसे पढ़ते हुए देखिए और निर्णय कीजिए कि हमारी फैकल्टी कैसी है। टारगेट विद आलोक संस्थान ने हमेशा से आपको अच्छी फैकल्टी अवेलेबल कराई है। बैच प्रारंभ हो रहा है 20 जनवरी से और बैच की अवधि है 8 महीना। इसका मतलब है कि लगभग हम मानकर चल रहे हैं कि 20 सितंबर तक आते आते बैच खत्म हो जाएगा। आपकी मेंस एग्जाम है 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर के लगभग लगभग 1 महीने पहले हम, यानी हम 20 सितंबर को ये बैच समाप्त करेंगे। और आप विश्वास करिए, यूपीपीसीएस के लिए हम इतनी अच्छी फैकल्टी आपको अवेलेबल कराएंगे, चाहे उसे हमें कहीं से भी बुलाना पड़े। प्रीलिम की फैकल्टी अलग होगी, मुख्य परीक्षा की अलग होगी, तो आप कमर कस लीजिए, समय नहीं है। अगर आप निर्णय लेने में देर करेंगे इसका मतलब आप परीक्षा में लेट हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा की प्रकृति बदल गई है। जिस तरह से आईएएस में लिखित परीक्षा होता है सामान्य अध्ययन का, उसी तरह यूपीपीसीएस में भी सामान्य अध्ययन की प्रकृति अब लिखित हो गई है। 4 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक वैसे ही जैसे, यानी पूरा का पूरा आईएएस का सिलेबस ही उठा के यूपीपीसीएस के मुख्य परीक्षा में डाल दिया गया है। तो यूपीपीसीएस में जीएस के जो 4 प्रश्न पत्र हैं मुख्य परीक्षा में, उनकी विधिवत तैयारी के लिए हम विशेषज्ञ की टीम बुलाएंगे। आप उनसे अगले 4 से 6 दिनों में अध्ययन करेंगे और खुद निर्णय लीजिए कि वो आपके लिए कैसे हैं। कुछ फैकल्टीज का नाम मैं ले लूं, लेकिन जिन फैकल्टीज का नाम मैं नहीं भी ले रहा हूं, यकीन करिए
कि हमारी बातचीत चल रही, हम बेहतर फैकल्टी आपके लिए लाएंगे। बहुत सी फैकल्टी नई होगी आपके लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादातर वन डे में पढ़ाने वाले अध्यापकों से आप पढ़ें। यूपीपीसीएस के लिए फैकल्टी पूरी तरह से अलग होनी चाहिए। एडमिशन लेने का तरीका देख लेते हैं। आपको हमें व्हाट्सएप करना है एंट्री यूपीपीसीएस, व्हाट्सएप नंबर यहां पे दिया हुआ है, नीचे स्क्रॉलिंग में भी व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप यहां से भी व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पर आप एंट्री यूपीपीसीएस जैसे ही लिखकर भेजेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, एडमिशन का तरीका, फीस सब कुछ बताएगी। फीस प्रीलिम और मुख्य परीक्षा के लिहाज से मिनिमम है, सबसे कम है, इतना कम जितने में कि आप किसी भी शहर में जाके ऑफलाइन संस्थान में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फीस हम मिनिमम रखने का प्रयास किए हैं। कुछ फैकल्टीज का नाम हम लेना चाहेंगे, विशेष रूप से मुख्य परीक्षा की फैकल्टी, प्रीलिम की फैकल्टी आप टारगेट विद आलोक संस्थान के भरोसे छोड़ दीजिए। प्रीलिम एग्जाम हम आपका नहीं रुकने देंगे। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आप भूल जाइए कि प्रीलिम आप फेल होने वाले हैं, ये संभव ही नहीं है। मुख्य परीक्षा चूंकि विशेष चुनौती है, इसी के नंबर जुड़ते हैं आपके साक्षात्कार से, और सबसे ज्यादा नंबरों का मुख्य परीक्षा होता है, इसलिए हम मुख्य परीक्षा की फैकल्टी से आपका कुछ परिचय करा दें। एथिक्स आर के अग्रवाल सर को आपने यहाँ पढ़ाते हुए देखा होगा। आर के अग्रवाल सर एक बड़े अध्यापक हैं, दिल्ली से लेकर जयपुर तक बड़े संस्थानों में ही पढ़ाते हैं। कुछ बड़े ऑनलाइन संस्थानों में भी आर के अग्रवाल सर पढ़ाने जाते हैं, उनको हमने आपके लिए एथिक्स के लिए पढ़ाया है। आर के अग्रवाल से एथिक्स पढ़ने का मतलब है कि एथिक्स कोई समस्या नहीं रह जाएगी। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी संजय ठाकुर सर पढ़ाएंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध भी संजय ठाकुर सर पढ़ाएंगे, गवर्नेंस है एक हिस्सा सेकंड पेपर में, उसको आर के अग्रवाल सर पढ़ाएंगे, इंडियन इकोनॉमी है उसको एस के झा सर पढ़ाएंगे, इंडियन इकोनॉमी जो कि सेकंड पेपर में उसको एस के झा सर पढ़ाएंगे, साइंस टेक जो कि थर्ड पेपर में उसको अखिलेश श्रीवास्तव पढ़ाएंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा एस के झा का परिचय दे दूं। एस के झा दिल्ली के एक बड़े संस्थान में पढ़ाते हैं। अगर ये आपसे जिस दिन रूबरू होंगे और इनका नाम आप गूगल चाहे यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा कि ये इनकी गुणवत्ता क्या है और इनका नाम कितना है, तो एस के झा सर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को पढ़ाते हैं, तो ये बायलैंगुअल रहेंगे। अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश मीडियम में आपको समस्या है, हिंदी मीडियम में समस्या है, तो दोनों भाषाओं में एस के झा सर पढ़ाएंगे, और आने वाले कुछ दिनों में आप एस के झा सर को पढ़ाते हुए देखेंगे। हिस्ट्री विशेषज्ञ से बातचीत चल रही है, हम नहीं चाहते कि जल्दीबाजी में हम किसी टीचर का नाम ले लें जो कि आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए उपयुक्त ना हो, क्योंकि हिस्ट्री प्रथम प्रश्न पत्र का ज्यादातर भाग कवर करता है, इसलिए इतिहास का अध्यापक एक विशेषज्ञ होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो इतिहास पढ़ाएगा वही आपको मुख्य परीक्षा में इतिहास नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि प्रीलिम पूरी तरह से अलग है और मुख्य परीक्षा पूरी तरह से अलग है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, है ना। आपके अवधारणा क्या है, आपकी समझ कितनी इतिहास में, इस पर निर्भर करता है, न कि तथ्यों को रटने पर। तो जो टीचर आपको तथ्य पढ़ा रहा है वो भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन वो प्रीलिम के लिए महत्वपूर्ण है। फैक्ट देने वाला टीचर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, प्रकृति पूरी तरह से अलग है। जैसे ही आपको कोई विषय वस्तु दिया जाएगा कि आप 250 शब्दों में लिखिए, तो आपका हाथ रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां फैक्ट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप पर चर्चा करिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन स्वरूप पर चर्चा करने के लिए वहां पे आप ग्वालियर टैंक में इस डेट को आंदोलन की घोषणा हुई, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां हुई, कौन से समानांतर सरकारें हुई, इसमें आप फैक्ट डालने से इसका स्वरूप पूरा नहीं हो जाएगा, है ना, ये पूरी तरह से अलग होता है। इसी तरह से सामाजिक मुद्दे और आपदा प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ टीम से बातचीत चल रही है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक विषय आपको विशेषज्ञों द्वारा ही पढ़ाया जाए। 20 तारीख से बैच प्रारंभ हो जाएगा, 20 जनवरी से वेबसाइट पर लगातार, तब तक हम अपनी फैकल्टी से बारी बारी आपका परिचय कराएंगे और आप उन्हें देखिए और निर्णय लीजिए। एडमिशन अभी से प्रारंभ है, एडमिशन प्रारंभ है, आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन का तरीका, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप यूपीपीसीएस लिख के आप एडमिशन का तरीका जान सकते हैं। तो जितनी जल्दी आप एडमिशन सुनिश्चित कर लेंगे, मैं बता दूं कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप 17 या 18 तक एडमिशन सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद हमें तमाम से टेक्निकल वर्क करने होते हैं, अपने वेबसाइट पर चीजों को सेट करना पड़ता है ताकि 20 से व्यवस्थापूर्वक क्लासेस चल सके। अगर आप 17 18 के बाद भी आएंगे तो एडमिशन संभव है, होगा, लेकिन आप तुरंत नहीं जोड़े जा सकेंगे, आपको जोड़ने में 3 से 4 दिनों का अंतराल हमें लगता है, वेबसाइट पर तमाम चीजों को मैनेज करना होता है। तो आप तैयार हो जाइए यूपीपीसीएस प्री कमेंस ऑनलाइन बैच के लिए, 20 तारीख से शुरू होगा। फिर मिलता हूं, नमस्कार।